काश आप किसी गरीब की मदद कर देते, उसकी जिंदगी बन जानी। वो भी मैं करता हूँ। वो अपना सोचे उर्दू का डेट चीज की है, बड़ा अच्छा जो पानी लीक कर दिया था। देखिए ये हमारे जो लखनऊ शहर का पानी कह रहे मोहतरम, कर दिया, कर दिया मुझे लाचार। पाँच ही पतीसा मेरा बड़ा मजेदार। अरे क्या कहने, क्या हुआ। आप कुछ अपना कुछ चंद अशार। जी जरूर। मैं वक्त मुख्तसर है, मैंने जाना टूबे, जरा काम है। मैं बस इख्तसार के साथ चंद अशार पेश करूंगा। जी जी। जनाब सदर इजाजत है। जी जी। यार उर्दू वधिया बोल दिया सारे ना। अर्ज किया है, करार हो जिसमें ऐसा कोई जमाना ना मिला। वाह। करार हो जिसमें ऐसा कोई जमाना ना मिला, दर्ज जिसका नाम दिल पे था वो जनाना ना मिला। वो जनाना ना मिला। वारे क्या यार तामुल फौजी। मैं दरअसल शायर नहीं, कारीगर हूँ। मैं लफ्जों को तरतीब नहीं देता। मैं उनको पैरहन पहनाता हूँ। बेलबास लफ्जों को पैरहन बनाता हूँ। अच्छा उर्दू का डेट चीज की है, बड़ा अच्छा जो पानी लीक कर दिया था। देखिए ये हमारे जो लखनऊ शहर का पानी कह रहे मोहतरम, सब तो वधिया तरीका है बोलन दा तरीका बहुत वधिया। कई रात नूं सुते नहीं पए हुंदे अपने, इत्थे दी आए हैं पानी इधर नूं आया हुंदा ना, वो वाई करके आउंदा। किद्दां दी गल्लां यार, मैं भी जानी भाजी मैं नाल ही शुरू हो गया। कहिंदे कीड़े हुंदे पेट च, उहनां दे भी निकलदा हुंदा इदां कहिंदे हुंदे। अद यार नहीं बोलन दा तरीका वधिया, ओ बंदा इन्नी सोहणी उर्दू बोलदा पिआ जानी भाजी। बस आपका मुझे लगता है कि तो लखनऊ से ये मुकर्रर से ताल्लुक होने की वजह से वहाँ का पानी जो है ना वो नमकीन है। हाँ हाँ। तो वो मुंह में जाग बन जाता। हाँ, नहीं अक्सर वो आपको मालक साज भी जब पहनाता ना इधर, तो वो एक लोहे की भी आपके इधर फंसती है। वो उसकी वजह से भी हो गया। जी। मैं कभी इस तरह की महफिल शायर होता तो गजल कहता। जनाब सदर आपके नाम जी शेर जी, करार हो जिसमें ऐसा कोई जमाना ना मिला। ये तुसी अगे कहता, आपने दरमियान में मुझे टोक दिया शुरू से। ओए बोले कोई ना होना मुकर दियो। करार हो जिसमें ऐसा कोई जमाना ना मिला, दर्ज जिसका नाम दिल पे था वो जनाना ना मिला। मिल गया जायदाद से हिस्सा सभी भाइयों को। मिल गया जायदाद से हिस्सा सभी भाइयों को। मैं आवारा था, मुझे एक आना ना मिला। क्या दर्द है लफ्जों में, क्या बात। आप नंगा मुंह लेके ही आ गए हैं उत्ते चढ़ाने के लिए, पूरे रस्ते में कोई पकाना ना मिला। अच्छा एक गोला बारी होती है, अश्क बारी। देखिए वो ये होते हैं शायर, गुस्से के पूरे सुवर। मैं यहाँ से इखराज कर जाऊंगा। क्या कर दूंगा? खराज। अच्छा एग्जिट। एग्जिट। ओके ओके। आप लिहाजा। जी जी प्लीज। अच्छा एक मिनट, आप ये पता कि आपके ये जो है ना टाउन एरिया, इसके साथ ये लग रहा है तो वो कड़कड़ की मेरा ख्याल आवाज। इसका मरकज तब्दील कर। हाँ मरकज। सुनो ना कुछ कहो तो धुआं निकल रहा, धुआं मार जाता बस ठीक। ये जिस किस्म का सलूक मुझसे रवा रखा जा रहा है। अरे सर आज हमें सब माफ है, आज हमें सब माफ है, क्योंकि दानिश हम जो है ना आज हमारा तारफी प्रोग्राम है। तारफी हो या तौलबी, हाँ हम बरगुजीदा शायर के रूप में यहाँ पर मौजूद हैं। ओहो ये होता है कि जिस करैक्टर ने अपने जिस बंदे ने आर्ट बढ़ गया करैक्टर से, सही है तारी कर लिया। सही है और तारी ला भी होने जी। खोदा हजार तारी ला भी होनी सी, मतलब ना भी होना सी कहंदे। बेचारे का मजाक उड़ाई जाते। जानी भाजी एक करी प्रोग्राम दे वेचे जिदे मगर पै जांदे है ना। हाँ हुन हमेशा ही मगर पै करनगे। उससे भी ज्यादा नक्शे के मुताबिक चूहा।
जनाब सदर फिर अम्मी नू बुला लो यार ना करो। अच्छा खोता 1000 फुट पर निकला पहाड़ फुट, कब तक शम्मा जलती रहेगी, हमें क्यों आप हमारे तैरहन को नुमाया करना चाहते हैं? अच्छा अभी कोई बात ना करें, ठीक है इस तरह ताकतुन का शिकार हो जाता जी है। आप इरशाद खोता 1000 फुट से ज्यादा नक्शा यार। अच्छा सुन लिया हूँ, खोता ही लेके ले आया सदरे महफिल ना करो दंदी बट नहीं पता है कहो ये किसी मजदूर को बुला दिया। देखिए अपने भाई आप इस पे आगे जाए ना, ये खोता उसको फाड़े खोता को मैं सुन लिया। अपने दंदान से आपके जिस्मान पे नक्शो निगार बना दूंगा इनको बता दे। सॉरी चले खोदा 1000 फुट से ज्यादा नक्शों के मुताबिक हाँ डड्डू निकल आए लेकिन कोई खजाना ना मिला। आहा जिसका नाम डड्डू मतलब मेंढकुन। अच्छा मैं क्या वो जो अमिताभ वाली फिल्म डड्डू डूम नहीं वो नहीं। अच्छा जान गए करवाना था जम दम करवाना था जम दम जनाब सदर फिर तुझे अटक रहा नहीं करवाना था दम करवाना था दम जिससे पीले जरकान का आहा करवाना था दम जिससे येलो पीले जरकान का जी करवाना था दम जिससे पीले जरकान का खज्जल होता रहा मैं मुझे उसका आस्ताना ना मिला। वाह 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 वा, वा। दर्ज जिसका नाम दिल पे था वो जनाना ना मिला। वाह 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 वाह। एक शेर आपके नजर करूंगा जी जी आखिरी नहीं ये एक और मुकदमा है। ओके इसका इंतसाब मैं आपके नाम करूंगा जी जी जी। हाथ उठाया मैंने मगर बदतमीजी के बाद वाह हाथ उठाया मैंने मगर बदतमीजी के बाद वो इस कदर हैरान मेरी तरतीबों पे था। ओहो वाह वाह। मांगा किया जिससे भी वो कामयाब रहा। मांगा किया मतलब मांगा किया जिसने भी जिससे भी जिससे भी यानी मंगया वो कामयाब रहा वो कामयाब रहा मान उसको अपनी तरकीबों पे था। वाह 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 वाह। नहीं नहीं उठो ले एडी जेती नहीं सोऊंगा ना मैं। हम अपना कलाम बंद किए देते नहीं यार अब सुनाए बस बंद अच्छा देखो नाखून तराशी करते करते देखिए मुकरिम हमारे पास जो भी आता ना शूरा कराम वो हमारे लिए बाईसे इज्जत है बाईसे ठीक है और हम थोड़ा बहुत जो छेड़खानी करते हैं जी छेड़ो शायरी नाम है इसका छेड़ो शायरी जी। अब दावत देते हैं फैसल साहब को। फैसल साहब कलील वक्त की कलालत की वजह से जो है ना वो क्योंकि जलेबियां भी ठंडी हो रही हैं बाद में तेरे मेरे प्यार के चर्चे चले किबला मुख्तसर किबला मुख्तसर नहीं किबला मोहतरम या किसा किबला मुख्तसर सा शेर कहूंगा किबला मुख्तसर सा शेर। ओके जी जी बहुत खूबसूरत आपने सेट लगाया जी। काश आप किसी गरीब की मदद कर देते उसकी जिंदगी बन जाने वो भी मैं करता हूँ वो अपना सोचते चले चले गरीबी लड़ती रही ठंडी हवाओं से अभी मुशायरे का टाइम खत्म हो रहा है और आप अब खुले सही है ज्यादती है ये नहीं तो सिमारी गरीबी लड़ती रही ठंडी हवाओं से गरीबी लड़ती रही ठंडी हवाओं से इसका मतलब पता तुम्हें नहीं गरीब के बच्चे हैं कंबल नहीं है ऊपर अरजाई नहीं है और कुंगड़ रहे हैं उर्दू गरीबी लड़ती रही ठंडी हवाओं से ये उफ मार दिया फैसल मार दिया लूट लिया गरीबी लड़ती रही ठंडी हवाओं से अमीरों ने कहा वाह क्या मौसम है और मेरी गुर्बत ने कर दिया मुझे लाचार कर दिया मुझे लाचार पाजी पतीसा मेरा बड़ा मजेदार। अरे क्या कहने क्या क्या वारे वारे मेरी बात सुने आप सनाबे जदर जनाबे सदर ये मुनाफ़कत नहीं है नहीं मेरी बात सुने उसका अपना एक शेर है उसका अपना रवैया है दस्तूरे मोहब्बत में घिरा हुआ मैं क्या कर सकता मैं सर एक अंदाज़े बयां चलें मुख्तसर सा एक शेर सुनाऊंगा पंजाबी का है पंजाबी का है ये आप पंजाबी भी सुने जनाब पंजाबी जी पंजाबी इरशाद फरमाए मेरे महबूब का बहुत नुकसान हुआ
ये पंजाबी नहीं है, ये पंजाबी नहीं है, ये कोई और है। मेरे महबूब का बाऊ जो है ये पंजाबी नहीं है, मेरे महबूब का बहुत नुकसान होया। ये पंजाबी ओदे सिर दे दो तीन बाल सड़ गए। मेरे महबूब का बहु नुकसान होया, ओदे सिर दे दो तीन महबूब बाल सड़ गए। मेरे महबूब का बहुत नुकसान होया, ओदे सिर दे दो तीन बाल सड़ गए। बिल्लू छड़ दे वाह 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 वाह, क्या बात, मेरे खिलाफ बहुत बातें हैं उसके दिल में। अरे क्या कह दिया फैसल भैया, क्या कह दिया, मेरे खिलाफ बहुत बातें हैं उसके दिल में। एक गल्ला दिल विचों कर दे, बिल्लू छड़ दे बहुत उम्दा, बहुत ये गाना सी आया है कुदिया, बहुत अच्छे, क्या बात है यार। नादरीन क्या कहने यार, क्या कहने, आपको मानना पड़ेगा मेरे पास हीरे हैं, हीरे। बस हम एक मंडी खाली लेनी है। हेलो जी जी, जे तू मेनू छड़ जावे तेरी की मजाल है। आहा वाह, तेरी इतनी हिम्मत तू मेनू छड़ देंगे, जे तू मेनू छड़ जावे तेरी की मजाल है। लाले भी लाले सारी गड्डी लाले। फैसल भाई मैं वैसे एक अर्ज करूं, वैसे आपको जो आखिरी शेर है ना, आप वो ही कर ले आखिरी, वो जो छड़ दे वो वाला, वो आखिरी कर ले इसको। इन्होंने कहना लाल भी सारी गड्डी लाल है, ये मैं भी वीडियो बनाई सी, पाकिस्तान च ना हदवाने बेचते हैं, तो वह गड्डिया के लिया के ना बड़े वधिया तरीके हदवाने बेचते होंगे, ता करके कहते लाल भी लाल है, सारा माल लाल है। ले जी, ये था इब्तदाई मरहला सवातो सिंधु हालात और मनीष साबरी, आप ही थे हमारे भी जुस्तजुए काला में भीगे हुए। हम तरसते रहे हैं बूंदों के किनारा कशी में जाके, क्या बात, आपने इतना भी ना पूछा को गमो सोज में क्या है तू। ये हम हमारे जनाबे सदर, ये है, मैंने कहा कि मुशायरे की सदारत यूं ही नहीं होती, क्या बात है, कुछ तो पर्दादारी है, समझ आ रही, कुछ आपने घोल के पिए हो हजारों शायर, फिर आप एक मुशायरे की मेजबानी कर पाते हैं, क्या समझ आ रही बात, मजा है, हाँ। जानिब है आप इस बात के कहने में। नादरीन अभी हम आपको वो मुंह मीठा करवाते हैं, अब भैया जरा वो जलेबियों वाला देना, खाल लेके आओ भाई जलेबी, हाँ जलेबियों वाला वो, हाँ ले जी भाई जान, जरा पहले इसको ऐसे ऐसे कर ले थोड़ा, क्योंकि मीठा है ना, यस यस तुसी कर ले खान गया बेटा, खाली बर्तन ले जाओ, एक ही जनाब सदर, इतनी कसीर मकदार, खाली बर्तन पकड़ा, इतनी कसीर मकदार में क्यों मंगवा रहे हैं आप भाई, पेट थोड़ी भरना इससे, जलेबियों से कोई पेट तो नहीं भरता, थोड़ा बहुत तो ये हुंदा वा जनाब सदर, है कि तू साडे नाल मजाक करन, जनाब सदर दार ते गिली कराओ, हाथ करो हाथ, इसके लिए भी ऐसे करना, फक्का मारो फक्का लो, आज थकान च ना पवा, हाथ करो, पहले से चुगवा पड़ना, बस करो बस करो, जनाब सदर कम ही देना, मुझे कम ही दे रहे हैं वो, ये होता है एहसास, इनको रज के खिलाओ खुद थोड़ा खा लो, ये एहसास है, मालिक हो तो ऐसा, इबला अब तो मंबाए कंजूसी है, बेइंतहाओ बेफरावानी है, कसम से देखिए भाई, हद ही कर दिया आपने, कब तक पहुंचेगा ये टुकड़ा है जलेबी शिकम अंदर, हमारे तो तक जाओगे, ये तमाम से शीरा निकल रहा है। बात ये है, मैं अगर आप लोगों का मैं सदारत कर रहा हूं तो ये मेरा फर्ज था कि जब कोई खाने की चीज आए तो पहले आप लोगों को दूं, फिर जो बच जाए वो मैं खा लूं, तो देखे मैंने पकड़ा आपने, मैंने आप लोगों को वो दिया जो जितना जितना था, जो बच गया वो मैं, अब मैं आपका बचा हुआ खाता हूं फिर भी मैं अच्छा नहीं हूं, ये आप हिसाब लगा, क्या बात है, ये सेट चेंज करना है, नहीं क्यों, तो फिर जलेबी थोड़ी ज्यादा मंगवा लेनी थी, बाद में मंगवाएंगे, अभी नादरीन के कमेंट्स देखते हैं। लीजिए नादरीन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और आज के लिए इतना ही सही और हमें कमेंट्स गाइस, ऐसे किया थी वीडियो भाई, बाकमाल सी, पहला एपिसोड सी इन दा, शेरो शायरी दा जबरदस्त सीगा, जानी भाजी जदों विचों जी बोलदे हैं ना उदों एहसास करा जांदे हैं कि हाँ भी उस्ताद उस्ताद ही है,
ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਗਿਰਦ ਸ਼ਗਿਰਦ ਆ ਅਤੇ ਸ਼ਗਿਰਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਰ ਚੈਨਲ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਯਾਰ ਹੈ ਨਾ ਫੈਸਲ ਭਾਜੀ ਐਂਡ 'ਤੇ ਆਏ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਈਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੈਰੀ ਆਨ ਕੀਤਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਯਾਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਂਦੇ ਆ ਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੁਪਰ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਸੈੱਟ ਸੈੱਟ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਗੋਲਡਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਗੋਲਡਨ ਜਾਨੀ ਭਾਜੀ ਖੁਦ ਪੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੈ ਬਰਾਊਨ ਜਿਹਾ ਨਾ ਡਾਰਕ ਬਰਾਊਨ ਜਿਹਾ ਕਾਫੀ ਸ਼ੇਡ ਜਿਹਾ ਇਹ ਉਹ ਜਾਲੀਆਂ ਜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਅੱਛਾ ਬਲੂ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸੈੱਟ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕੀ ਨਾ ਇੱਧਰ ਕਈ ਜਣੇ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਏ ਹੱਥ ਛੱਪ ਗਏ ਹਾਂ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਗੋਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਚਦੇ ਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਲੋਗ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਿਹਨਤ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਾਣਾ ਵੀ ਵਗੈਰਾ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਾ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਾ 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 ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੋ ਸਹੀ ਹੈ ਸੈੱਟ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਪਹਿਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਿਓ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਗੈਟਅਪ ਵੀ ਲੈਣਗੇ ਐਂਡ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇੰਸਟੈਂਟ ਇਹ ਸਪੋਰਟੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਪੋਰਟੇਨੀਅਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਟੋਪਿਕ ਇਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਟੋਪਿਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਹੋਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਚੱਕੀ ਰੱਖੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ